ओके, तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। अभी मैं आई थी यहाँ, ये कपड़े ड्राई हो चुके हैं, ये मैंने कल आफ्टरनून के टाइम पे यहाँ सुखाए थे, तो ये सूख गई हैं। अभी इनको मुझे उतारना है और सेटिंग करके हेल्पर के लिए जो रख दूँगी कि वो आएगी तो ले जाएगी। और इसके साथ मैंने अभी एक राउंड भी वॉश किया है, उसमें से ये सबसे पहले सूट मैंने अभी हैंग किया, ये अभी गीला है, और दूसरा भी ये उतारूँगी ना, बाकी फिर मैं यहीं हैंग करूँगी जो अभी निकाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं स्टिचेस करने की सीख रही हूँ। दो सूट काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, उसके बाद मैंने स्टॉप किया क्योंकि बन गई थी लेकिन फिटिंग भी थोड़ा सा यू नो सही नहीं बने। सो आज मुझे दोबारा जोश चढ़ गया और मेरे पास एक कपड़ा था, निशान मैंने लगा दिए, अभी मुझे कटिंग करनी है। सो बस सोचा आप लोगों को ये अपडेट कर लूँ कि मैंने स्टिचिंग सीख रही हूँ। सो बस यहाँ जो है मैंने ये सूट कट कर रही हूँ और दुआ करें कि अच्छा बने, और मेरा बहुत मूड है कि मैं सीख जाऊँ। सो बस इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बन जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो बस अभी मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ, मगरिब की अजान आ गई है, लेकिन बस ये वाला थोड़ा सा कटिंग करके उसके बाद मैं जाके नमाज पढ़ूंगी। और आप लोगों को बता दूं कि मैं YouTube पे देख के, वीडियो है उसके हिसाब से देख के और नाप जो है मैं अपनी यूज़ करके निशान लगा दी, अब मैं कटिंग कर रही हूँ। बस दुआ करो कि अच्छा बन जाए। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कट कर दिया है। ये बैक वाला साइड है, ये फ्रंट वाला साइड है, और हाँ ये जो कपड़ा है मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मैंने क्लॉथ मार्केट सस्ते वाले बाज़ार से लिया है। सो मेरे ख्याल में बहुत सस्ता पड़ा था ये सूट, 1000 से भी कम था, चीप था ये। सो इसलिए मैं इस पर इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, वरना जो आजकल ब्रांडेड वगैरह जो कपड़े हैं ना, मैं कभी भी इस तरह से काम उस पर नहीं करती। लेकिन मेरा मूड था कि मैं सीख जाऊँ, तो इसलिए मेरे पास ये वाला इस तरह का टाइप का कपड़ा था कि चीप था और इंशाल्लाह अच्छा सा बन जाएगा ना, तो एटलीस्ट मैं घर में पहन लूँ। सो अभी मैं इसको तह लगा के रख देती हूँ क्योंकि मुझे जाके मगरिब की नमाज पढ़नी है, उसके बाद मैं जाके डिनर बनाऊंगी, फिर मैं वापस आऊंगी इसको कंटिन्यू करने का। ओके, हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को जो कल मैंने वीडियो बनाई थी ना कि मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी है सूट की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज क्या हुआ। आज जो है मैं विलेज आ गई, गाँव आ गई हूँ, और अभी जो है मैं अपना सूट लेकर आई हूँ साथ में विलेज, और यहाँ जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सूट की कटिंग मेरे सिस्टर के सामने। सो बस अभी जो है मैं इसका गला बना रही हूँ और कंटिन्यू करती हूँ सूट को, और यहाँ जो मैं बना रही हूँ गले के जो पट्टी होती है ना, जो है वो मैं लगा रही हूँ कपड़े के साथ। ओके, तो ये पट्टी मैंने बनाई है गले के लिए। सो ऐसे खोल के इसके अंदर जाएगी, फिर ये असली पट्टी नज़र आएगी इस तरह से गले के लिए। सो बस इंशाल्लाह से अच्छा सा सूट बन जाए। عزكت ان شاء الله يكون عزكته صحيح. تعال شوفي الحين قيس هذا 5 انش 5.1 رقم زايد رقم يعني يعني انا بعيد ابو سنتيمتر مو انشي، يعني هذا الخط واحد زايد. اصعب شيء لما تملي فلوق تحس نفسك كذا، ولما نسوي فيديو تنتهي تحس. اوكي، تو ميني قلا بنا لي، لكن ليتس سي كي صحيح يا ناي. اوكي تعال طلعي لي غلطاتي، ان شاء الله يكون صح، ان شاء الله يكون صح. نكوي بعدين نشوف، ايوه نكوي بعدين نصلحه، ان شاء الله يكون مره مره بيرفكت. عشان ما راح تعني لما تقولي حاولي تخرب كان اوسع مني. انا قست اثنين اربعة سويتهم. اشهر من كذا ما حطيتها حلو. اربعة كانت ديكا. اي لا حطيتها طيب، بعدين شوفي في شورتس فيه. اجل الكاميرا شغالة اوريك شكل الديزاين هذا كيف، هذا زي كذا اربعة. اي زي كذا. هذه اربعة من جوا. ايوه حطيتها حلو. يلا هذا احاول اسوي ذاك اليد. وشي اذا كان في بين بدي في الراحة.
خيط يحبها خيط ده. بس يقطع معليش هذا الكوبري. Here we go. أحل حل بسوا. حلو برو أسيع. بس عمارة حانة من حاسك. أخلي أغير المداس قبل لا أنسى المداس من ألبس حقك أنتي. आज मैं लंच स्टार्ट करने लगी हूँ और लंच में मैं बना रही हूँ एक तो फिश, उसके साथ वाइट राइस और आलू, और उसके साथ मैंने सोचा था कि जो जर्मन मिर्च है ना मेरे पास तो उसे पुराने रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा था आज मैं ऐसे करूँ, इसके अंदर की बीज जो है वो मैंने निकाल दी है और इसके अंदर जो है ना ये जो क्या कहते हैं कैरी, इसकी पीस कट करके इसके अंदर मैं डालती हूँ। फिर मैं इसको फ्राई करूँगी और थोड़ा सा साल्ट भी इसके ऊपर ऐड करती हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा। चावल के साथ खा लेंगे, आई गेस बहुत टेस्टी होगा ये। फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई कर रही थी। मेरे हस्बैंड का मुद्दा कि मैं इसको फ्राई कर लूँ सिर्फ मिर्चों का, लेकिन फिर मैंने सोचा था इसके अंदर जो है ना ये डालेंगे ना केरी, फिर आई गेस ज़्यादा टेस्टी होगा। तो बस ऐसे ही मैं ट्राई कर रही हूँ एक न्यू तरीका जिसमें मिर्च को मैं फ्राई कर लूँ और टेस्टी भी हो, इंशाल्लाह टेस्टी होंगे। अभी जो है मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरी कैट जो है उसके अंदर थी। सो बस अभी जो है मैं जा रही हूँ थोड़े से बाहर, काम है, खैर काम तो मुझे नहीं है लेकिन फैमिली वालों को जो है ना थोड़ा सा काम है, तो वो जो है ना शॉपिंग करेंगे और मैं जो हूँ ऐसे घूमने जा रही हूँ ना फॉर अकॉर्डिंग। सो बस इसलिए मैंने अबाया जो है ना पहना हुआ है, उसके साथ ही मेरा पर्स है। दो दिन से जो है ना मैं ऐसे ही व्लॉगिंग कर रही हूँ ना कि एक दिन में एक सीन, और वो भी कितने सेकेंड्स का सीन होता है, और मैं जो है ना बहुत छोटे छोटे सीन जो है ना रिकॉर्ड करके और ऐड कर रही हूँ एक व्लॉग में, और पूरा एक व्लॉग एक दिन का जो हो ना वो बन जाए ना वो इस तरह नहीं हो रहा। सो बस अभी चलते हैं और शूज़ की जगह पर आके मुझे पता नहीं क्यों मूड हो रहा कि मैं ये वाली पहन लूँ जो ये वाली पहन लो, आई थिंक ये वाली सही है। आई गेस ऐसे ही ना, आई गेस इस अबाई के साथ ये वाली ज़्यादा मैच है। एनीवे आई एम रेडी नाउ। वैसे मेरा काम आज जो है ना कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं वॉश कराऊंगी और कोई भी काम नहीं है, बस दैट्स इट। सो लेट्स गो।
هيدت بلي سجادة أو كبرا سيباني ولي واپس آيا هيدي دي چو آدو دو حتى مو مشكل سدھاگ ودھو هلا 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 اور الحمدللہ یہ ہے آپ لوگوں کے سامنے سوٹ بالکل اچھا سا بن گیا پرفیکٹلی کچھ کچھ محنت کرنی پڑی جیسا کہ کچھ اسٹیچز ایسے تھے جو مجھے دوبارہ کھول کے پھر اسٹچ کرنے پڑے لیکن ریزلٹ تو بالکل اچھا ہے پرفیکٹلی آئی ایم سو ہیپی ود دا ریزلٹ کہ میں نے خود ایسا سوٹ اسٹچ کیا جو میں کمفرٹیبلی بھی پہن سکوں یو نو سو الحمدللہ آئی ایم سو ہیپی اور گلا جو ہے نا میں نے اس طرح سے بنایا اس کا کالر ٹائپ مجھے یہ والے گلا بہت پسند آتے اور مجھے لگا تھا کہ مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن جب میں نے بنایا ہے سو پہلی دفعہ سے پرفیکٹلی بن گیا یس فیفی او نو بی فیفی اینی وائی تو بس الحمدللہ یہ سوٹ اچھا سا بن گیا اب انشاءاللہ اور بھی اسٹچ کروں گی جب تک یو نو ایک آپ کے آنکھوں میں سیکھ جاؤں کہ اسٹچز کیسے کرنے ہیں یس فیفی او فیفی چلو ابھی جو ہے جا کے میں نے ماسک پر لوں زہر کے اور ہاں آپ لوگوں کو بتا دو اس سوٹ کو اسٹچ کرنے مجھے چار دن لگے پوری نہیں لگے پر ایسے ہوا کہ میں نے بریک لیا بیچ میں پہلے کٹنگ کی تھی پھر شرٹ کی ہاف اسٹچ کی پھر ٹراؤزر کی اسٹچ کی پھر لاسٹ میں جو ہے نا میں نے اس کی اور الحمد للہ اچھے سے بن گئے تو بس الحمد للہ یہ سوٹ بن گیا اینڈ آئی ایم گوئنگ ناؤ اور آئی تھنک یہ اس ولاگ کو میں اب ختم ہی کر لیتی ہوں بہت لمبا بن گیا چار دن ہمیں ہر دن کا الگ الگ تھوڑا سا ریکارڈنگ کی تھی تو بس ابھی جو ہے میں اس کو یہیں کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو یہیں اللہ حافظ کر لیتی ہوں بائے بائے